और मुझे इस बात का हर्ष है, संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया गया हर वादा पूरा किया है। चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या फिर 2019 का घोषणा पत्र हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया है। जब मोदी जी के नेतृत्व में हम 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे थे तो उस समय में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे। मोदी जी का के आग्रह को ध्यान में रखते हुए पार्टी का जो संकल्प पत्र तैयार किया गया था उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो भी संकल्प हम देश के सामने रखें उसे हम निश्चित रूप से पूरा करें। मित्रों, भाजपा अपने संकल्प पत्रों के माध्यम से जहां स्वाभिमानी और सशक्त भारत के निर्माण का रोडमैप प्रस्तुत करती है, वहीं समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी देश के सामने रखती है। 5 साल पहले 2019 में संकल्पित भारत, सशक्त भारत के उद्घोष के साथ जो घोषणा पत्र हम लेकर आए थे उसमें हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत की एक संकल्पना रखने के साथ साथ 2047 के भारत की भी रूपरेखा देश के सामने रखी थी। उसी भावना के अनुरूप ही हमने 5 साल के संकल्प लिए थे और मुझे ये कहते हुए साथियों प्रसन्नता है कि साल 2019 में भारत के विकास एवं जन कल्याण के लिए जो भी संकल्प हमने लिए आज 2024 तक उन सब को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। हम लोगों को इस बात का गौरव है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र के प्रत्येक वादे को पूरा करती है। जो हम कहते हैं वो हम करते हैं, हमारे वर्ड्स, हमारे डीड्स, हमारे कृति और हमारे कथन में कभी कोई अंतर नहीं रहा है। यह बात आज केवल भाजपा के लोग ही नहीं बल्कि देश के नागरिक भी मानने लगे हैं। यही विश्वसनीयता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने जम्मू और कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने की बात कही थी, आज धारा 370 समाप्त हो चुकी है। हमने महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में 33% आरक्षण की बात की थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही पहला कानून नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में देश के सामने आया। साथियों, हमारे संकल्प पत्र में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने की बात भी कही गई थी। आज अयोध्या में रामलला की नव विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। हमने अपने संकल्प पत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ाने की बात की थी, आज उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है।